हेलो एंड नमस्ते टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ दिस बैड बॉय। दिस इज़ HP Omen 16.1 गेमिंग लैपटॉप, एंड ये जो लैपटॉप है वो मैंने अपने पैसे से ख़रीदा है। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो मैं आपको ऑनेस्टली बताने वाला हूँ। एंड ये वाला जो लैपटॉप है वो बी से कुछ मॉडल है उससे स्टार्ट होता है, एंड एक और मॉडल आता है जो के से स्टार्ट होता है। उन दोनों के एंड बी के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। एंड जो के वाला मॉडल है वो इसे 3-4 हज़ार रुपये महंगा है। सो आई प्रेफर कि आप ये वाला लीजिए। एंड बातें अब हो गई बहुत, वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स सी इस बीस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके की आपको पैकेजिंग मिल जाएगी, एंड इस पैकेजिंग के अंदर हमें बैग एज वेल एज हमें मिल जाता है लैपटॉप। एंड सेवेक्स टेक्नोलॉजी इज़ द कंपनी, इनकी लॉजिस्टिक्स कंपनी है HP की, जो सारे इंडिया में लैपटॉप्स को डिलीवर करती है। एंड मेरे केस में इन्होंने ब्लू डार्ट कोरियर कंपनी का यूज़ किया था, आई डोंट नो और जगह पे कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं। तो हम फटाफट इसको खोलते हैं एंड आई विल शो यू अंदर हमें कंटेंट कैसे पैक हुए मिलते हैं। मीनवाइल जब तक मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ आप स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए। इस पैकेजिंग को खोलने के बाद हमें स्टैक किया हुआ मिल जाता है बैग, एंड उसके नीचे हमें मिल जाता है लैपटॉप। तो इस बैग की क्वालिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बैग बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसके जो पॉकेट्स हैं वो भी बहुत ट्रेंडी और अलग तरीके से लगाई गई हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो लैपटॉप कंपनीज बैग बनाती थी वो हम सिर्फ इसलिए लेते थे क्योंकि हमें वो लैपटॉप के साथ फ्री मिलता था, बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कंपनीज ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। इस बैग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड घंटी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वो वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब बात करते हैं लैपटॉप की। और हाँ, बैग के बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो बैग है ये 15.5 इंच का बैग आपको मिलेगा, पर ये बैग 16 इंच के साथ भी इजीली फिट हो जाता है। तो मैंने बहुत जद्दोजहद के बाद लैपटॉप को बाहर निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी इन्होंने एक पैकिंग की हुई है। तो फटाफट इस पैकिंग को काटते हैं एंड लेट्स सी। एज यू गाइस कैन सी ये 16.1 इंच का गेमिंग लैपटॉप है। वैसे 16 इंच का लैपटॉप है बट इसका साइड वाला जो बेजल है उसको छोटा कर दिया, तो ये 16.1 बन गया। And now is the moment of truth. Let's open this box. Oh my God! Wow! तो जैसे ये प्रीमियम रेंज का लैपटॉप है, इसकी पैकिंग भी काफ़ी प्रीमियम की गई है। सबसे पहले हमें मिल जाता है चार्जर, जो कि है 230 वाट का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके केबल की लेंथ जो है वो ठीक ठाक है, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप, 230 वाट का ये चार्जर है। एंड नॉर्मल जो लैपटॉप के चार्जर होते हैं वो 60 वॉट के होते हैं, बट ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसलिए इसकी जो चार्जर है वो हमें थोड़ा सा बड़ा वॉट का मिल जाता है। अब इसकी केबल की लेंथ चेक कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ केबल की लेंथ बहुत ज़्यादा है, बट बहुत छोटी भी नहीं है, ठीक ठाक लेंथ है। इतनी लेंथ से आपका इजीली काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे अब तक लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इस सब चीज़ों को साइड में रखते हैं एंड अब हम चलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें एनवलप दिख जाता है। एनवलप जब मैंने देखा तो मुझे लगा इसके अंदर कुछ नहीं है, पर जब मैंने इसको खोला तो इसके अंदर एक छोटा सा मुझे इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला, जिसके अंदर देखने लायक तो कुछ होता नहीं है, राइट। तो इसको साइड में रखते हैं एंड देखते हैं आगे लैपटॉप को, जो कि मेन हमारी चीज़ है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन में बता देता हूँ, इसको उठाने के बाद मुझे ज़्यादा हैवी फील नहीं हुआ। ऑल्दो ये 2.35 kg का है जैसे कंपनी क्लेम करती है, बट उतना हैवी फील नहीं होता। आप एक हाथ से इसको इजीली उठा सकते हैं क्योंकि स्लिम लैपटॉप है, राइट। तो नाउ मैं लैपटॉप को ओपन कर लेता हूँ एंड आई शो यू द मेन थिंग जिसके लिए ये सारी तामझाम मैंने किया। एंड यू कैन सी हाउ प्रीमियम इट लुक्स। बीच में आपको ओमन का लोगो दिख जाएगा और ये रिफ्लेक्टिव सा एक सिंबल दिख जाएगा। काफ़ी सिंपल लैपटॉप इसको बोल सकते हैं, गेमिंग लैपटॉप, राइट। क्योंकि जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं वो बड़े अजीबोगरीब बने होते हैं, बट दिस इज़ वेरी सिंपल। तो किसी को अगर सिंपल गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो दिस लैपटॉप इज़ फॉर हिम और हर। एंड ऊपर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये प्योर प्लास्टिक का है, बट इट्स प्रीमियम। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि घटिया प्लास्टिक है, इट्स प्रीमियम। साइड वाली जो आपको मिल जाती है ये मिल जाता है मेटल, एंड कीबोर्ड के जो साइड का एरिया है वो भी मेटल मिल जाता है, और जो सारे पोर्ट्स लगाए गए हैं वो भी मेटल में लगाए गए हैं। एंड यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं जो हमारे फैंस आपको दिख जाएंगे। तो कूलिंग सिस्टम इस लैपटॉप का बहुत अच्छा है। फैंस के जो ग्रिल हैं वो सिर्फ नीचे नहीं है,
वो आपको साइड में भी मिलेंगे और आपको पीछे भी मिलेंगे। एंड जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है फ़ैन का थोड़ा सा वेंट, साथ में दो USB A टाइप के पोर्ट, और पीछे भी आपको फ़ैन का लंबा सा ग्रिल दिख जाएगा जो कि कूलिंग करने में लैपटॉप को बहुत आसानी देता है। एंड जब इसकी फ़ैन की स्पीड होती है तो बहुत तेज़ हो जाती है समटाइम्स, मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। साइड पर आपको इतने सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर पहला है आपका चार्जिंग पोर्ट, उसके बाद आपको मिल जाता है SD स्लॉट, 3.5 mm का जैक एंड USB-C टाइप, HDMI पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट एंड USB-A टाइप का पोर्ट, और भी आपको काफ़ी तरह के पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आई थिंक ये जो पोर्ट्स आपको मिलते हैं दीज आर प्लेंटी, आपको इसके अलावा कोई भी हब या फिर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है पोर्ट के लिए। जो ये बॉक्स वॉक्स है इन सबको साइड में रखने के बाद हम लैपटॉप को खोल के टेस्ट करते हैं कि क्या मैं इसे एक हाथ से खोल सकता हूँ। एंड यस, आई कैन ईजिली ओपन दिस लैपटॉप विद वन हैंड विदाउट एनी इशूज, राइट। तो थोड़ा सा नीचे से हैवी है, 16 इंच का लैपटॉप है, शायद वो भी रीज़न हो सकता है, बट एक हाथ से खुल रहा है, राइट। अब इसकी हिंजेस की क्वालिटी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे स्क्रीन को थोड़ा सा हिलाता हूँ तो ये बहुत देर तक हिलती रहती है, तो आई से कि हिंजेस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी डेल या दूसरे लैपटॉप्स की होती है, पर ये 16 इंच का लंबी स्क्रीन का लैपटॉप है तो थोड़ा सा वो रीज़न भी हो सकता है। अगर आपका घर पे लगा हुआ फ़ैन बहुत तेज़ चलेगा या फिर बहुत तेज़ हवा आएगी किसी कूलर की या किसी चीज़ की, तो इसकी स्क्रीन थोड़ी सी हिल सकती है, ऑल दो उससे आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको मूवी देख रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। अब कीज़ की बात कर लेते हैं। कीज़ काफ़ी प्रीमियम फिनिश की इसकी कीज़ हैं, काफ़ी अच्छी स्पेसिंग दी गई है, डेल की थोड़ी सी सॉफ्ट साइड में आ जाती हैं, बट दीज आर प्रीमियम कीज़। इंटेल का i7 है तो इसके अंदर आपको नमपैड देखने को मिलता है, बट जो AMD वाला सेम मॉडल है उसके अंदर आपको नमपैड देखने को नहीं मिलेगा। स्क्रीन के बिल्कुल साथ में कीबोर्ड और स्क्रीन के बीच में आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल। स्पीकर्स आपके नीचे भी दिए गए हैं, वैसे वो मैं आपको बाद में जब मैं इसके साउंड चेक कराऊंगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो आपने स्पेसिफिकेशंस पहले देख चुके हैं। आप ट्रैक पैड की बात करें तो ट्रैक पैड इज़ वेरी स्मूथ, वेरी रिस्पॉन्सिव। आपके यहाँ पे विंडोज़ के सारे जेस्टर चलते हैं तो ट्रैक पैड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गाइस फर्स्ट टाइम इसको बूट कर लेते हैं, एंड साथ में मैंने स्टॉप वॉच भी चला दी है, और जिसका पावर बटन है इस वो कोई हार्ड बटन नहीं है, वो बाकी कीबोर्ड के बटन्स के जैसा ही है। एंड फर्स्ट टाइम बूट करने पे ये 49 सेकंड्स में बूट हो गया, जो कि बहुत अच्छा टाइम है। तो 49 सेकंड्स के बूट के बाद दिस लैपटॉप इज़ प्रॉम्प्टिंग मी फॉर पासवर्ड। तो बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं इसके अंदर कर देता हूँ, जिसके अंदर होगा एक्टिवेट करना ऑफिस 2021 जो इसके बाद फ्री मिलता है, और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड मेरे पास जो लैटिट्यूड का लैपटॉप है वो 14 इंच का है, उसके हिंजेस आप देख सकते हैं कि थोड़े से सॉलिड है वो, राइट। बट वो छोटी स्क्रीन का लैपटॉप है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। एंड ऑन द अदर साइड आप इसके हिंजेस देखिए, पर ये जो लैपटॉप है 14 इंच का लैटिट्यूड का, ये एक हाथ से नहीं खुलता, इसको दो हाथ से खुलना पड़ता है। वो भी मैं बोलूँगा कि रीज़न ये हो सकता है कि वो छोटा लैपटॉप है, बट ये वाला लैपटॉप जो है वो एक हाथ से खुल जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या रीज़न हो सकता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, मैं मेन स्क्रीन पे जाता हूँ, एंड देन हम देखते हैं कि इसका स्क्रीन में ब्लीड कितना है, और उसके अलावा इसका कैमरा वैमरा बाकी सब साउंड टेस्टिंग भी करेंगे। ब्लीड टेस्ट में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल राइट में बॉटम में थोड़ा सा ब्लीड मुझे मिल रहा है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है IPS डिस्प्ले के अंदर। तो इस वाले मॉडल के अंदर फॉर्चुनेटली मुझे ब्लीड नहीं मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसका ब्राइटनेस का भी एक टेस्ट कर लेते हैं इंडोर्स में एंड आउटडोर्स में। इसकी ब्राइटनेस जो है 300 निट्स की है, 350 या 400 निट्स होती तो बहुत ही सही रहता, बट अगर वो ज़्यादा बढ़ाते तो फिर बैटरी का भी प्रॉब्लम होता, बैटरी बैकअप हमें कम मिलता। देख सकते हैं आप आउटडोर्स में कैसी ब्राइटनेस हमें मिल सकती है, एंड अब इंडोर्स में भी चेक कर लेते हैं। इसका ओमन गेमिंग हब का मेन्यू हम खोल लेते हैं। ये जो मेन्यू की है आपको डिलीट के साथ मिल जाएगी, या फिर आप इसको मेन्यू में जाके भी खोल सकते हैं। फर्स्ट टाइम इट विल आस्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड देन आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा किसी भी अकाउंट से, गूगल, फेसबुक, या फिर आप HP का अकाउंट यूज़ कीजिए, या फिर आप नया अकाउंट बनाइए। ये सब करने के बाद आप पहुँच जाएंगे इसके मेन मेन्यू के अंदर,
एंड मेन मेन्यू के अंदर जाने के बाद जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा वो मुझे लगा ओमन 16 की सेटिंग्स। इसके अंदर बहुत वैरायटी ऑफ सेटिंग्स आप कर सकते हैं, वेरी फ्लेक्सिबल। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिखाता है सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, रैम कितनी यूज़ हो रही है, जैसे टास्क मैनेजर में होता है, बट उसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप ग्राफिकली और ईजीली देख सकते हैं। एंड इसके बाद आपको मिल जाता है नेटवर्क बूस्टर, जिसके अंदर आप काफ़ी जो ऐप्स हैं उसका नेटवर्क बूस्ट कर सकते हैं, या फिर उसे ऑटो में रख सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद लाइटिंग के अंदर आपको मिल जाएगी कीबोर्ड की लाइटिंग। अगर आपको नॉर्मल स्टैटिक रखनी है, मतलब जो कीज़ जिस तरीके से इन्होंने डिवाइड की हैं वैसे ही रखनी है, वैसे ही कलर चेंज करना, तो आप इजीली कर सकते हैं। बट स्टूडियो के अंदर जाके आप आपका जो माउस है उसका कलर भी अकॉर्डिंग टू योर कीबोर्ड मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस कंट्रोल के अंदर आपको बैलेंस मिल जाएगा और परफॉर्मेंस मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं फ़ैन की स्पीड मैक्स करूँ तो आप देख सकते हैं फ़ैन की आवाज़ आपको आ रही होगी, वो भी एक बार सुन लीजिए। एंड उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफिक स्विचर, जो कि हाइब्रिड और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट इज़ फॉर गेमिंग, हाइब्रिड इज़ फॉर नॉर्मल ब्राउजिंग या फिर कुछ भी आप मूवी या वगैरह देख रहे हैं। तो डिस्क्रीट जब आप चाहेंगे तो आपको रीस्टार्ट देना पड़ेगा लैपटॉप को, एंड उसके बाद फिर आपका ये एनवीडिया जो भी प्रोसेसर है वो ऑन कर देगा, एंड फिर आप गेमिंग भी इजिली कर सकते हैं। तो अभी के लिए साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं, एंड उसके बाद मैं फिर इसका एक कैमरा का टेस्ट भी आपको दिखा दूंगा। मैं अपनी स्पीति वाले टूर की एक वीडियो चला देता हूं, अगर आपने टूर नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप देख। As you can hear, audio के अंदर there are no complaints. Audio इसकी बहुत ज़्यादा loud है। अब बात करते हैं कैमरे की, मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसका जो कैमरा है 720p जाता है मैक्सिमम, 720 पिक्सल, एंड इसके अंदर जो नॉइस कैंसलेशन है वो एक्टिव है, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी, लाइटिंग ठीक थी, पीछे भी आप बैकग्राउंड में थोड़ी लाइट देख सकते हैं, बट फिर भी दिस कैमरा इज़ डूइंग अ ओके जॉब, राइट? तो इससे आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ओवरऑल क्वालिटी वाइज लैपटॉप मुझे सही लगा। इसकी दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि कैमरा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड उसके अलावा इसके अंदर म्यूट बटन नहीं है कीबोर्ड के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक गेमिंग टेस्ट करूँगा और इस पर वीडियो एडिटिंग भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड घंटी भी दबा दो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस, बाय बाय।